जय श्री राम भक्तों, आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे ये राम कथा के एपिसोड हैं, ये टहलका हरियाणा पर उपलब्ध हैं। जब भी आप चाहें इनको श्रद्धापूर्वक क्लिक करिए और टहलका हरियाणा पर सुनिए। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आयत दीना, खाए जाए फल मूल सुहाए, सुनत भाल कप जह देदाए। और दूसरी पारागत सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कपिन कहो आयत दीना। और सिंधु पार होकर के उन्होंने सभी को जो है आशीर्वाद दिया और कह दिया था पाप जाइए और जा करके फल फूल कन मूल सब जो भी खाया अपना पेट भरिए। वहां पर विश्राम करने के बाद रात्रि को जो है विश्राम किया, तो विश्राम करने के बाद जब सारी सेना और भगवान राम और उनके साथी अनुयायी जो उठते हैं तो क्या करते हैं, प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सखी विभुराई, कहउ बेग का करई उपाई, जाम अवंत कह पद सिरनाई। और वहां पर पूजा करके भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापना करके भगवान राम ने वहां पर जो लिंग की स्थापना की थी उसको सेतु रामेश्वर रामेश्वर महादेव कहते हैं, जो कि आज भी तक अटल अमर है और उनकी पूजा से बड़े ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो जब सुबह प्रातः जो है भगवान राम जागे तो सभी सचिव और मित्रों को बुला करके उनसे मंत्रणा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी कह रहे हैं कि कह बेग का करे उपाय, जामवंत के पर सिर नाई, जामवंत जी जो है ना शीश नवा करके कहने लगे कि सुन सर्वज्ञ सकल पुरवासी, बुद्धि पर तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठा दहु बाग तुम्हारा। कि हे प्रभु, मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ कि बाली कुमार जो है अंगज है उनको दूत बना करके संगी दूत बना करके उनके पास भेजिए, अगर संगी हो जाती है तो इसमें दोनों ओर के जो सेना हैं सैनिक हैं उनका संघार नहीं होगा और सबको शांतिपूर्वक निबट जाएगा। तो जब अंगद युवराज का नाम दिया तो सभी के मन में ये भाग्या भाई हाँ ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। अंगद से भगवान राम कह रहे हैं कि बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। अखे अंगद भैया, आप जो है मेरे कार्य हेतु लंका में रावण के पास जाइए और जाकर के वहां बहुत बुझाए तुम्हें के कहूं, परम चतुर में जानल एहो। और वहां जाकर के सकल नीति बता देना कि युद्ध से क्या हानि होती है क्या लाभ होता है, ये भरी प्रकार जो है वहां पे बता देना। प्रभु आगे इस बात को सुनकर गंगा जी क्या किया कि प्रभु आज्ञा धर सी तरण बंग अंगद उठ्यो, सोई गुण सागर ईश राम कृपा दा पर करहु। तो इस बात को सुनकर के अंगद महाराज जो है तैयार हो गए चलने के लिए। बंग चरण उर धर प्रभु ताई, अंगद चले हु सबहु सिरनाई। और भगवान राम को प्रणाम करके अंगद जो है सभी को सिर ना करके वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस वक्त विभीषण जी जो है अंगद को कहते हैं, भैया एक बार मेरी एक बात सुन ली और
जो मैं आपसे प्रार्थना करूं वो जाकर के उस हटी रावण से कह देना। विभीषण जी अंदर से कह रहे हैं, अब भैया जब रावण के दरबार में जाओ तो मेरी ये दो बातें उसको जरूर कह देना। और कहा कहिए महाराज क्या कहना चाहते हैं। तो ये राधे श्याम की ये राधे श्याम जो रामायण है उससे लिया गया है कि विभीषण जी क्या कह रहे हैं। दो एक संदेश हमारे भी कह देना हटी दतानन जी। जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से, मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वो तो तब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस तरह रक्षा करता है। भरी भांति जकरा देना उस मायावी मानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। तो विभीषण जी कह रहे हैं भैया ये दो तीन बातें मेरी बता देना कि उसने जो है मुझ पर लात से प्रहार किया था, पद प्रहार किया था, तो अब देखते हैं कि वो लंका नगरी की कैसे रक्षा करेगा और कैसे अपने कुल को बचाएगा। और सिर्फ तर्पण करने के लिए एक जो है विभीषण ही बचेगा। इस बात को सुनकर के ठीक है महाराज मैं जरूर कहूंगा। तो अंगद जो है वहां से चल देखते हैं। बंद चरण उर घर प्रभु ताई, अंगद चले चबाई सिर नहाई। और वहां से अंगद जी चल देते हैं, चल करके वो लंकापुरी में पहुंच जाते हैं।